जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सुफियान और आप देख रहे हैं सुफियान टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों, ओप्पो आज अपने एक बजट कैटेगरी के स्मार्टफोन को लॉन्च कर चुका है जिसका नाम है ओप्पो A16। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको इस स्मार्टफोन के बारे में सब कुछ बताऊंगा, इस स्मार्टफोन के क्या क्या ऑफिशियल स्पेसिफिकेशंस हैं, इस स्मार्टफोन का प्राइस क्या है, ये इंडिया में कब लॉन्च होगा, हम लोगों को वेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इंडिया में कौन कौन से अच्छे अल्टरनेटिव देखने को मिल जाते हैं, ये भी बताऊंगा मैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी से हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर, अगर आप दोस्तों Vivo S10 Pro के बारे में जानना चाहते हो तो ये परसों लॉन्च हो गए थे, वीडियो बना दिया था, मैं नहीं देखे हो तो आई बटन पे दे दे रहा हूँ, क्लिक करके जाके देख लो, आपको सब कुछ मालूम चल जाएगा। आई बटन के सारे वीडियोज को चेकआउट करिए, बहुत अच्छे वीडियोज बनाता हूँ, आपको जरूर से पसंद आएंगे। चलिए दोस्तों, लोग शुरुआत करते हैं सबसे पहले डिस्प्ले से। तो डिस्प्ले वाइज ये स्मार्टफोन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बजट कैटेगरी का स्मार्टफोन होते हुए भी आपको बहुत अच्छे डिस्प्ले स्पेक्स प्रोवाइड कर देता है। यहाँ पर आपको 6.52 इंच का HD+ IPS LCD डिस्प्ले मिल जाता है, 60Hz का स्टैंडर्ड रिफ्रेश रेट मिलता है, 60Hz का टच सैंपलिंग रेट मिल जाता है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का स्क्रीन प्रोटेक्शन मिलता है, NTSC कलर गैमेट भी मिल जाता है, 480 nits का टिपिकल ब्राइटनेस भी मिल जाता है, और यहाँ पर आपको थर्ड जनरेशन का वाटर ड्रॉप नॉच देखने को मिलता है, यानी कि जो नॉच है वो काफी छोटा है, बेजल से पूरा जुड़ा हुआ है, ठीक है, एंड चेन भी बहुत ही कम है, फ्लैट डिस्प्ले है। तो यार, एक 8-9 हज़ार की रेंज का स्मार्टफोन होते हुए भी और एक ओप्पो का स्मार्टफोन होते हुए भी आपको बहुत ही अच्छे स्पेक्स देता है। डिस्प्ले वाइज ये स्मार्टफोन अपने प्राइस रेंज के हिसाब से बहुत अच्छे स्पेक्स देता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कैमरास के बारे में। तो कैमरा वाइज भी ये स्मार्टफोन अच्छा है, आपको बहुत अच्छे कैमरा से देता है। अगर आप ओप्पो के प्रोस्पेक्टिव से देखोगे तो यहाँ पर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, 13 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो, 2 मेगापिक्सल का मोनो कैमरा। सेल्फी की बात करें तो 8 मेगापिक्सल का सेल्फी मिल जाता है वाइड एंगल लेंस के साथ, जो दोस्तों एक वाटर ड्रॉप नॉच के साथ आता है। कैमरास बहुत अच्छे हैं अगर आप ओप्पो के बजट कैटेगरी के स्मार्टफोन्स के नजरिए से देखोगे तो, ठीक है। अब चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं मेन स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो दोस्तों देखो यार, जनरली हम लोगों को 8-9 हज़ार की रेंज के स्मार्टफोन्स में रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलने के ज्यादा चांसेस रहते हैं, जिसके वजह से स्मार्टफोन के जो लुक्स होते हैं काफी चीप दिखते हैं हम लोगों को, कोई भी देखेगा तो पहचान लेगा यार रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है, पक्का कोई सस्ता स्मार्टफोन होगा 8-9 हज़ार की रेंज का। लेकिन यहाँ पर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, जो बहुत ही अच्छी बात है, स्मार्टफोन के लुक्स और भी इन्हांस हो जाते हैं। यहाँ पर आपको EMMC 5.1 का स्टोरेज सपोर्ट मिलता है, 5000mAh का बैटरी मिलता है, लेकिन कोई भी फास्ट चार्जर को ये स्मार्टफोन सपोर्ट ही नहीं करता है। जी हाँ दोस्तों, ये दोस्तों मैं ऑफिशियली दोस्तों कंफर्म करके हर जगह वेबसाइट पे चेक करके आपको बता रहा हूं, कोई भी फास्ट चार्जर को ये स्मार्टफोन सपोर्ट नहीं करता है, ये बहुत ही बड़ा माइनस पॉइंट है। कलरओएस 11.1 को सपोर्ट करता है, एंड्रॉइड 11 के साथ आता है। अब चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। तो यहाँ पर आपको मीडियाटेक हीलियो G35 मिल जाता है, जो 12 नैनोमीटर के टेक्नोलॉजी पे बेस्ड एक ऑक्टाकोर प्रोसेसर है। पावर VR GE8320 का आपको GPU मिल जाता है। देखो यार, परफॉर्मेंस वाइज आपको डे टू डे लाइफ में ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होगा, स्मार्टफोन अच्छे से वर्क करेगा, लेकिन गेमिंग आप हाई ग्राफिक्स पे तो क्या, मीडियम ग्राफिक्स पे भी ठीक ठाक नहीं कर पाओगे, मीडियम ग्राफिक्स पे भी आपको थोड़ा थोड़ा लैग महसूस होगा, लेकिन आप दोस्तों नॉर्मल ग्राफिक्स पे नॉर्मल गेम्स खेल सकते हो। हालांकि BGMI खेलोगे तो वहां पर लैग तो महसूस होगा, ऑब्वियस ही बात है, लेकिन डे टू डे लाइफ में स्मार्टफोन काफी अच्छा चलेगा। यहाँ पर कोई अच्छा प्रोसेसर यूज करते तो अच्छा होता, जैसे कि हीलियो G70 होता तो और भी मजा जाता, G35 थोड़ा सा आउटडेटेड हो गया तो प्रोसेसर यहाँ पर अच्छा नहीं मिलता आपको। चलिए दोस्तों, बात करते हैं डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी के बारे में। नो डाउट दोस्तों, ये स्मार्टफोन देखने में बहुत ही अच्छा लगता है, जो कैमरा हाउसिंग का डिजाइन है वो काफी अच्छा लगता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी के बारे में। डिजाइन वाइज ये स्मार्टफोन नो डाउट देखने में बहुत ही प्रीमियम लगता है, बहुत ही प्रीमियम कलर्स में भी अवेलेबल है, आपको मैट फिनिश देखने को मिल जाता है और ग्लॉसी कलर्स का भी आपको टेक्सचर देखने को मिलता है। एंड जो कैमरा हाउसिंग है वो भी दोस्तों देखने में काफी नया है, काफी अच्छे लुक्स आपको प्रोवाइड कर देता है, एंड रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं है तो स्मार्टफोन देखने में प्रीमियम लगता ही है। अगर आगे से देखोगे तो एक वाटर ड्रॉप नॉच है, देखने में अच्छा लगता है, चिन भी दोस्तों बहुत ही कम है, आगे से देखने में भी बहुत ही अच्छा लगता है। बिल्ड क्वालिटी की बात कर ले तो प्लास्टिक बैक के साथ आता है, प्लास्टिक फ्रेम मिल जाता है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का स्क्रीन प्रोटेक्शन है। तो बिल्ड और डिजाइन वाइज ये स्मार्टफोन बहुत ही अच्छा है अपने प्राइस रेंज के हिसाब से। अब चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं मेन मुद्दे के बारे में, प्राइस और अवेलेबिलिटी के बारे में। तो दोस्तों ये स्मार्टफोन आज इंडोनेशिया में लॉन्च हो चुका है। प्राइसिंग की बात कर ले तो केवल एक ही रैम वेरिएंट है, 3+32GB, जिसका प्राइस है 10,300 रुपए, यानी कि दोस्तों इंडिया में आएगा तो आपको 9,000 रुपए के आसपास दिखाई देगा ये स्मार्टफोन। तो आपको प्राइसिंग कैसा लगा जल्दी से कमेंट करके बताओ।
अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं क्या ये स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होगा, हम लोगों को वेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों देखो यार, ये स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होगा, प्रॉपरली आपको अगस्त के मंथ तक लॉन्च होता हुआ दिखाई दे देगा। अब ओप्पो A15 लॉन्च हुआ है तो उसका सक्सेसर भी तो लॉन्च होगा इंडिया में, ओप्पो A16, ये बहुत ही जल्द आपको लॉन्च होता हुआ दिखाई देगा। अब रहा सवाल वेट करे कि नहीं करे, मत वेट करो यार, क्योंकि आपको ये अच्छे स्पेक्स प्रोवाइड नहीं करता है। 10,000 की रेंज के हिसाब से देखोगे तो सबसे अच्छे स्पेक्स माइक्रोमैक्स In1 दे देता है, जो इंडियन ब्रांड है, जो लाख अच्छे स्पेक्स आपको प्रोवाइड कर देता है इस स्मार्टफोन से। आप जाके उसको परचेस कर लो यार, इसके लिए वेट मत करो अगर आपका बजट 10,000 रुपए है तो प्लीज। तो दोस्तों बस यही कंप्लीट पैकेज ओप्पो A16 का। आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप मेरे बातों से एग्री करते होंगे। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आ गया तो इस वीडियो को तुरंत से लाइक कर दो, एम करते हैं 50 लाइक का, जल्दी से कर दो यार। और चैनल पे नए आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और साइड के बेल आइकन को भी दबा दो। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो और मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि आपको ओप्पो A16 कैसा लगा, उसके प्राइस, उसके लुक्स, उसके स्पेसिफिकेशंस आपको कैसे लगे, जल्दी से कमेंट करके बताओ। और मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग टेक्स रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ, रात को टेक न्यूज भी देता हूँ। अगर आप टेक न्यूज नहीं देखे हो तो कल बहुत अच्छे टेक न्यूज आए थे, आई बटन पे दे रहा हूँ, क्लिक करके जाके देख लो और अपडेटेड हो जाओ। और मैं मिलता हूँ आप सभी से अगले और एक नए वीडियो में। हमेशा अपना ख्याल रखो, खुश रहो, चलो बाय।